आगे बढ़ते हैं। यह है जैपनीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। अभी जो हम लोग चेचक उचक जो होता है ना, हमारे माता जी बोलते हैं, हमको भी हुआ था और गांव में भी होते रहता है सबको। उसका सबसे पहला वेरियंट यही था, जैपनीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। और एपिडेमिक ही बोलेंगे, छोटा सा स्तर है। 2 मिलियन आदमी मरा था इसमें। 33% ऑफ जैपन पॉपुलेशन जो है ना, इन्फेक्टेड हुआ था, डेथ हुआ था, सॉरी इन्फेक्टेड नहीं, मर गया था। हुआ कैसे? ये क्यूसू प्रोविंस के दाइफुजू फुकुकुमा ऐसा कुछ शहर है, वहाँ का जो है ना फिशरमैन से पहले हुआ, और उसके बाद ये पूरे क्यूसू में फैल गया। उसके बाद क्यूसू से होते, क्यूसू अब जापान में है तो ऑलमोस्ट है जब पूरा जापान में फैल जाएगा। इसकी वजह से 2 मिलियन पीपुल मरा। आज हम देखते हैं जिसको माता जी बोलते हैं तो इक्का दुक्का किसी को होता है और इजिली सही हो जाता है। इसके पीछे लंबा रिसर्च है, लंबा मेहनत, वैक्सीन बना बचपन में हमको और आपको, चेचक का टीका दिलाया होगा एडवर्ड जेनर ने जिसको बनाया था। यह कब हुआ? 735 to 737, 2 साल तक कंटिन्यूस रहा। और उस वक्त कैसे भी हम लोग परेशान रहे 2019 के बाद कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए। रिसर्च चला, वैक्सीन बना, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने लाया। और प्रेजेंट में बहुत कम लोगों को होता है, होता है इक्का दुक्का कुछ लाइफ में होता है कभी। इसका मेन रीजन वही था, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर था, जैपनीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक, जो 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा।